जय श्री राधे जी। चंद्र पर्वत और छत्र एक प्रतिनिधित्व तो करते हैं शीतलता, चंचलता, प्रेम और कभी कभी उद्विग्नता को भी। जब हस्तरेखा विश्लेषण की बात आती है और हस्तरेखा के बारे में जब हमें जानकारी चाहिए होती है तो इनके बारे में पूर्णता से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये मन के कारक हो जाते हैं। इनका अमिट प्रभाव होता है हमारे जीवन पे। जैसे कि आप जानते हैं कि केंद्र है, केंद्र बिंदु है मस्तिष्क आपके पूरे वजूद का, आपके अस्तित्व का, आपके अच्छे बुरे विचारों का, सोच का, हर एक तरीके से आपकी पहचान आपके विचारों से होती है। तो इनकी स्थिति हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण होती है। एक ऐसी स्थिति जो हमारी निष्क्रियता पर भी लगाम लगाती है और हमारी सक्रियता पर भी लगाम लगा सकती है। हमसे सब कुछ रहते हुए बुरे काम भी करवा सकती है, कुछ न रहते हुए भी बहुत अच्छा काम भी करवा सकती है, क्योंकि मस्तिष्क पर बेसिक नियंत्रण इनका हो जाता है। बुद्धि और विवेक इन दोनों चीजों को चलाने का एक कार्य करती है। तो इस पर्वत क्षेत्र के बारे में निश्चित तौर पे हमें जानना चाहिए, क्योंकि गुरु पर्वत बहुत ही अच्छा हो, बहुत वैभव आपको प्राप्त हुआ हो, बहुत पद प्रतिष्ठा की स्थिति आपके लिए उत्तम बन रही हो, लेकिन बोलने का और चलने का ढंग नहीं है तो सब पे पानी फिर जाएगा। बहुत अच्छे कुल खानदान में जन्म ले लिया, लेकिन पता चला इतना कर्कश बच्चे ने जन्म लिया है कि पूछो मत, बस गालियां ही निकलती है उसके मुंह से। अब क्या होगा कि जो पुरखों ने इज्जत बना रखी है बंदे ने वो भी मिटिया मिट कर देनी है। तो बस मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, और बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इनका बेहतर स्थिति होना आवश्यक है। अगर प्रोफेशनली बात करें अपने रोजगार से संबंधित, तो उसमें भी चूंकि जल से इनका संबंध है तो उससे संबंधित चीज़ों के बारे में हम यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में। तो आज मुख्य तौर पर बात करेंगे पर्वत क्षेत्र के बारे में, इनकी कैसी अवस्था होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ज़्यादा उभरा हुआ कहीं भी अच्छा नहीं होता, और बहुत ज़्यादा गड्ढेदार स्थिति अगर हो तो भी कभी अच्छी नहीं है। सामान्य और सामान्य से थोड़ा अधिक उभार हमेशा एक आइडियल माना गया है, एक बेहतर स्थिति होती है। इसके अलावा जैसे अन्य पर्वत चिन्हों पे होते हैं, उसी प्रकार से त्रिभुज वर्ग की स्थिति, त्रिशूल की स्थिति यहाँ पे आपके लिए उत्तम कार्य करती है। इसके अलावा भी कुछ और शुभ चिन्ह हैं जो कि यहाँ पर बेहतर स्थिति में रहते हैं। इसके अलावा देश विदेश गमन, खासकर विदेश यात्रा वगैरह से संबंधित चीज़ें अगर हस्तरेखा में जाननी हो तो उसके लिए चंद्र का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ से 80% तक आप इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 20% और भी माउंट्स ऐसे हैं जहाँ से आप इन चीज़ों के बारे में और पुख्ता तौर पे कंफर्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने माउंट के बारे में जान लिया कि इनकी स्थिति कैसी होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड आती है इनर लाइंस की स्थिति, यानी सती रेखाएं, वो किस प्रकार से होनी चाहिए। सती रेखाएं मंगल के क्षेत्र की तरफ जाती हुई हो, वो रेखाएं जातक के लिए कभी भी बेहतर कार्य नहीं करती। इनका पूर्णतः इनका जो प्रभाव है शुक्र की तरफ, गुरु की तरफ या शनि की तरफ ऐसी अवस्था में हो तो व्यक्ति के लिए काफ़ी सुफलकारक होता है। जब उन्हें आप देखेंगे आपस में टूटती रेखाएं ऊपर की तरफ जाती होंगी। सूर्य के क्षेत्र की तरफ वैसे जाती भी नहीं, अगर जाए तो ज़्यादा उसके लिए वो आपके लिए सुफलकारक नहीं होता है, ठीक है। थर्ड देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी बेहतर रेखाएँ मौजूद हैं और कितनी सशक्त अवस्था में मौजूद है, यानी कि उनमें कितना बल है, कितने बल के साथ वहाँ पर वो बैठी हुई हैं, ठीक है। थर्ड हो गया। एंड फोर्थ पे आते हैं कि यहाँ पे जो कुछ मुख्य अस्थाई और पूर्ण रेखाएं हैं उनके बारे में, वो कैसी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से कुछ और चीज़ें आप निकाल लो, जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे ना, एडिक्शन होगी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, देख लेना उनके इस क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, पक्का मिल जाएगी रेखाओं की गड़बड़, जो कि नॉर्मली नहीं होती है,
ऐसी अवस्था। ठीक है चलो, ये बस इशारे में बता दिया क्योंकि इसमें और सारी बारीकियाँ हैं, फिर आप उतने में जाओगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और दूसरी रेखाएं होती हैं जो कि आपके यात्राओं को बताती है कि व्यक्ति जीवन में कितना ज़्यादा यात्राओं का शौकीन होगा, कहाँ कहाँ जाएगा, किस प्रकार से जाएगा, कितने दिनों तक जाएगा, कब तक रहेगा, क्या करेगा, जैसे कि ये रेखाएं यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, इन रेखाओं का यहाँ पे होना, अगर कोई घूमने का शौकीन हो, देश विदेश यात्राओं का शौकीन हो, फॉरेन शिफ्ट करना हो जिसे, या वगैरह जैसी चीज़ें, उनके लिए ये समझ लो कि 50% वीज़ा का काम करती है। ठीक है, यहाँ पे मौजूद हो तो समझ लो व्यक्ति निश्चित तौर पे उसके लिए बहुत सारे मौके हैं, और जिसके पास नहीं है उसे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसके मुकाबले इस व्यक्ति को 50% ही मेहनत करनी पड़ेगी, और व्यक्ति उन क्षेत्रों तक आराम से अपनी पहुंच बना लेगा और काफ़ी लंबे समय तक उन क्षेत्रों में टिकेगा। लेकिन इस रेखा का स्वास्थ्य भी, इनकी हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से है। जैसे यहाँ जो इनकी हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, तो हेल्थ इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि रेखा कितनी स्ट्रांग है। इसके अलावा शाखाएँ क्या होती जा रही हैं, जैसे इसमें आप देख रहे हो बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो रही है, तो ये कभी भी अच्छा नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं ना, पेड़ पौधे को आप किसी को लगा दो, उसे समय से बढ़ाना हो, तेज़ी से उसे विकसित करना हो, तो क्या होता है, बार बार उसकी टहनियाँ हम छांटते होते हैं, हटा के अलग कर देते हैं ताकि बिल्कुल सीधा जाए, एकदम स्ट्रेट रहे और बिल्कुल आगे की तरफ बढ़े। क्योंकि जितनी टहनियाँ आएंगी ना, जितनी चीज़ें निकलती जाएंगी ना, उतनी ऊर्जा का व्यय होगा, बढ़ता चला जाएगा, फिर उसमें। आप सिंगल हो, आपके पास जितने पैसे होंगे, धीरे धीरे आप 10 बंदे हो जाओगे तो फिर कंट्रीब्यूट होता चला जाता है ना, बढ़ता चला जाता है, तो उसके बाद फिर आपके पास थोड़े से पैसे बचेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे ही ये होने लगेगा ना, तो इसकी शक्ति का ह्रास करता है। ठीक है, और ये ह्रास होता है तो निश्चित तौर पे जो इसके सुफल हैं उनका आपके जीवन में आगमन नहीं हो पाता और आप उससे प्रभावित होने लगते हो। ठीक है, तो चलो इतना काफ़ी है इसके लिए। आगे कभी इस पर बात करेंगे तो और इसमें कुछ डिटेल्स हैं उनके बारे में जानेंगे, इसके अलावा अन्य रेखाएँ क्षेत्र बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बोलो जय श्री राधे।